सबसे पहले तो हम आपसे जानेंगे, क्योंकि आप जो यहाँ फेडरेशन है उसके अध्यक्ष हैं, अभी ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है यहाँ की किस जगह पर खड़ी हुई है और किस तरह की चुनौतियाँ मिल रही हैं इस इंडस्ट्री को? यहाँ पर रोज़ 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है, 500 करोड़ रुपए का अंदाजित सूरत का कपड़ा भारत में और भारत के बाहर कुल जाता है कम से कम, तो भारत सरकार को एक बहुत बड़ी रेवेन्यू मिलती है। इस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए यहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, ट्रेनिंग सेंटरों की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ एयर कनेक्टिविटी की ज़रूरत है और रेलवे की ज़रूरत है। ये कहा जा रहा है कि जो बिहार में मनरेगा वगैरह के लागू होने के बाद लेबर फोर्स मिलनी कुछ कम हुई है, क्या ऐसी बात सही है? मनरेगा जो है उससे निश्चित रूप से थोड़ा प्रभाव पड़ा है, लेकिन यहाँ दूसरी एक मेजर प्रॉब्लम क्या है कि सूरत एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी होता जा रहा है, 40 से 45 लाख की पॉपुलेशन हो गई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी हाई हो गई है कि आम आदमी के लिए दिक्कत है, मतलब उनकी उसकी मान लीजिए ज़रूरतें पूरी नहीं होती है, तो एक जो लेबर है वो अपने मीन्स एंड एंड्स को मैच नहीं कर पाता है। ये जो लेबर प्रॉब्लम है उसमें बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि उनको रहने की सुविधा नहीं है प्रॉपर वे में, या अगर है भी तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मान लीजिए कोई लेबर अगर 3,000-4,000 की जॉब कर रहा है या 5,000 की, तो उसका एक सब्सटेंशियल चंक उसमें सैलरी का पार्ट जो है वो रेसिडेंशियल में चला जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जिसके अंतर्गत भी ये शहरी विकास वगैरह आता है, उनको ये देखना चाहिए कि भाई अगर सूरत का भविष्य हम देखते हैं 10-20 साल में, जैसा कि प्रोजेक्शन दिया जाता है कि 2020 तक यहाँ की आबादी 1 करोड़ हो जाएगी, आबादी तो 1 करोड़ तभी होगी जब यहाँ जो 2 इंडस्ट्री है डायमंड और टेक्सटाइल, और स्पेशली टेक्सटाइल जो कि लेबर इंटेंसिव है, वो ग्रोथ होगी तो ही होगा। इसके अलावा क्या चीज़ें ऐसी लगती हैं जो ठीक करने की ज़रूरत है? और हम ये जानना चाहेंगे खासतौर पर जैसे चुनाव चल रहे हैं, क्या जो दोनों बड़ी पार्टियाँ हैं यहाँ की उन्होंने आपकी इंडस्ट्री को कहीं एजेंडे में लिया है? एयर कनेक्टिविटी न होने के कारण एक्सपोर्ट इतना जल्दी से नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि जो एक्सपोर्टर है उसको बॉम्बे आना पड़ता है, बॉम्बे से सूरत उसमें रेलवे से आना पड़ता है, वो डायरेक्टली यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, वो किसी के थ्रू परचेज कर रहा है, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन इतना नहीं हो पा रहा है। यदि सेंटर गवर्नमेंट से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी और डोमेस्टिक एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावे, जिससे एक्सपोर्ट यहाँ का बढ़े। बार बार बातें आती चीन है या कुछ और देश है जिनसे प्रतिस्पर्धा हो रही है, वो प्रतिस्पर्धा क्या यहाँ नज़र आ रही है आपको? अगर नज़र आ रही है तो सरकारों को, दोनों सरकारों को मिल करके क्या करने की ज़रूरत है? चाइना से कंपटीशन जो है, देखिए चाइना में साड़ी नहीं पहनी जाती जी, इंडिया में साड़ी पहनी जाती है, और रिसेंटली अभी था कि भी पाकिस्तान में साड़ी का ट्रेंड बहुत चल पड़ा है, और यहाँ से काफ़ी माल जो है वो वाया पाकिस्तान होकर अफगानिस्तान वगैरह भी काफ़ी जा रहा है। तो गवर्नमेंट को निश्चित रूप से इस तरफ अगर देखते हैं कि भाई ये मतलब साड़ी जो है जिन जिन देशों में एक्सेप्टेबिलिटी है, या जैसे जो अपने NRIs हैं वो इतने बाहर रहते हैं, मतलब आज इतने लोग बाहर रहते हैं, इतनी रेमिटेंसेस है, मान लीजिए कितने सैकड़ों बिलियन जो है रेमिटेंस वो इंडिया में आती है, इवन अपन चाइना से रेमिटेंस के मामले में बढ़ गए, तो क्यों नहीं हम अपनी संस्कृति को वहाँ मेंटेन कर सकें? इसको और बेहतर बनाने के लिए कैटेगरिकली 1-2-3 चीज़ें अगर हम आपसे पूछें, तो वो प्रदेश की सरकार हो या भारत सरकार हो, उसको क्या करने की ज़रूरत है? आप हम राज्य सरकार से अपेक्षा करते हैं कि गुजरात सरकार अभी बनने जा रही है तो उसमें टेक्सटाइल मिनिस्ट्री करके एक डिपार्टमेंट हो, एक विभाग हो। आज के दिन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट नहीं है, अगर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री होगी तो गुजरात सरकार और गुजरात सरकार के जो मिनिस्टर टेक्सटाइल मिनिस्टर होंगे वो यहाँ के डिजाइनिंग डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन की ट्रेनिंग्स, या हमारी लेबर आती है उसकी ट्रेनिंग, तो हमारा व्यापार कंपटीशन में टिक सकेगा। आज चाइना इतना बढ़ रहा है, थाईलैंड बढ़ रहा है, हम गारमेंट्स की काम कर सकेंगे यहाँ की, हमें ये लोग टफ की सब्सिडी देंगे, कैपिटल सब्सिडिया देंगे, कोई भी प्रोजेक्ट लगाने के लिए हमें लैंड उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद संजय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि जैसे ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है टेक्सटाइल का, और यहाँ जैसे आज मान लीजिए कोई भी क्राइम होता है, इस तरह से इकोनॉमिक ऑफेंस बहुत बढ़ गया है, तो एक इकोनॉमिक सेल की आवश्यकता है, जैसे बॉम्बे, दिल्ली, ये सब में इकोनॉमिक सेल होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ चीटर लोग आते हैं, वो लोग काफ़ी करोड़ों रुपए का चीटिंग वगैरह कर जाते हैं, तो कैपिटल इरोजन होता है, उससे भी व्यापार को धक्का लगता है। आज मान लीजिए कोई भी व्यापार है उसके अंदर अगर कैपिटल का इस ढंग से इरोजन होगा और सरकार उस तरफ ध्यान नहीं देती है, तो वो व्यापार की ग्रोथ को काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, छोटे छोटे ट्रेडर हैं, और इस चीज़ को रोकने के लिए इकोनॉमिक सेल की हमारी डिमांड है।